भाई कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में फाइनली अपनी इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सरेंडर करवा ही दिया। वरना तो भाई जिस तरह से अपनी इंडिया 119 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, मुझे तो लग रहा था हो गया भाई गंदे वाला पोपट कल तो, क्योंकि अपनी पूरी 11 में से ले देकर सिर्फ अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने थोड़े ठीक ठाक रन बनाए थे, और वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तानियों ने ऋषभ पंत के हाथ में 3 मौके छोड़ दिए थे, जिसके लिए पाकिस्तानियों दिल से थैंक्स। मगर अपनी बॉलिंग यूनिट ओ भाई स्वाद आ गया यार, 120 रन बनाने पाकिस्तानियों के ऐसे दुश्वार कर दिए जैसे तो कोई 180-190 रनों का टारगेट हो। उसमें भी भाई अपनी टीम 6 रनों से जीत गई। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तानियों लगातार दूसरी हार देखकर बैग तो बांध ही लिए होंगे तुमने वापस कराची लौटने के लिए, क्योंकि बस एक मैच यूएसए और जीत जाए फिर तो तुम्हारा पत्ता साफ इस वर्ल्ड कप से। खैर कल दो काम एक साथ बढ़िया हो गए, एक तो मोदी जी का शपथ समारोह निपट गया और दूसरा इंडिया ने अपने बच्चों को पकड़ कर पेल दिया। और भाई कल टॉस के टाइम पे एक और फनी सीन हुआ, जिसने नहीं देखा उनको बता दूं कल रोहित भाई फिर से भूले राम बन गए, कॉइन अपनी जेब में रख के भूल गए, और जब रेफरी ने टॉस के लिए कॉइन मांगा तो उनसे कॉइन मांगने लग गए। खैर अपने मैच पे तो बाबर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और जिसको देखकर फिर से आसमान रोने लग गया। रोके हटा तो रोहित भाई कोहली भाई ओपनिंग करने उतरे और आते ही रोहित भाई ने शाहीन अफरीदी को फ्लिक सिक्स लगा दी, और जैसे ही पहला ओवर खत्म हुआ फिर से बारिश आ गई। मैच 9:30 बजे जाकर शुरू हुआ तो कोहली भाई ने मैच की शुरुआत कवर ड्राइव के साथ तो करी, मगर तीसरी गेंद पर अपनी कैच दे बैठे और फिर अगले ओवर में रोहित भाई भी चलते बने। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में आमिर ने मौके तो दो ऋषभ पंत के भी बना दिए थे, मगर इफ्तकार और उस्मान ने कैच ही ड्रॉप कर दी। इसी तरह के अक्षर पटेल ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर पावर प्ले में 50 रन बना दिए, लेकिन पावर प्ले के बाद अक्षर 20 बनाकर अपनी विकेट उड़वा बैठे। अब 8वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक और मौका बनाया लेकिन फिर से पाकिस्तान ने कैच ड्रॉप कर दिया, और फिर तो ऋषभ भाई ने आरिज रूप को एक साथ 3 चौके बेल दिए। ओए बच्चे मना है। अच्छा तेरी अम्मी ने तो नहीं बताया, उसकी तो गोद भर दी मैंने। लेकिन भाई जिस तरह से पंत भाई हर बॉल पर खटाखट बल्ला चलाने में लग रहे थे ना, इंडिया से मैच देखने वाले हर बंदे की जान अलग में आ रही थी। लेकिन भाई कल दिन था ऋषभ पंत का, तो भाई अपने बल्ले से पिटाई करते रहे, मगर सूर्या दादा 7 रनों पर अपनी कैच दे बैठे और फिर शिवम दुबे भी 3 रनों पर सॉफ्ट डिसमिसल करवा बैठे, और उसके बाद ऋषभ पंत का भी 42 रनों पर बल्ला शांत हो गया। फिर अगली गेंद पर जड्डू भाई भी आकर वापस चलते बने। अब तो बस उम्मीद थी कि हार्दिक इंडिया की थोड़ी सी इज्जत बचा ले, मगर हारिस रूफ ने हार्दिक पांडे और अगली गेंद पर बुमराह को भी चलता कर दिया, लेकिन फिर अर्शदीप पाजी और सिराज ने ले देकर पाकिस्तान को दे दिया 120 रनों का टारगेट। पाकिस्तान बैटिंग करने उतरे तो मियां भाई ने बॉल विकेट की जगह रिजवान के ऊपर दे मारी, और फिर बुमराह भाई ने रिजवान का मौका बनाया तो शिवम दुबे ने कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन फिर बुमराह भाई ने अपने अगले ओवर में बाबर का सूर्या दादा को कैच पकड़वा दिया। अब 10 ओवर तक रिजवान और उस्मान ने मिलकर गेम चलाया तो इस साझेदारी को पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने आकर तोड़ दिया, और फिर ऋषभ पंत ने फखर जमान का तगड़ा कैच पकड़ लिया। उसके बाद फाइनली बुमराह भाई ने रिजवान की भी विकेट उड़ा दी, और फिर हार्दिक भाई ने शदाब खान को चलता कर दिया। उसके बाद 19 ओवर में बुमराह भाई ने सिर्फ 3 रन देकर और चच्चा की विकेट चटकाकर पूरा मैच इंडिया के पक्ष में कर दिया। अब आखिरी ओवर में इंडिया को जीत के लिए रोकने थे 18 रन, तो अर्शदीप पाजी ने इमाद वसीम की विकेट चटकाकर इंडिया को मैच जिता दिया पूरे 6 रनों से। इसी तरह से 14 रन देकर और 3 विकेट लेकर बुमराह भाई बन गए इस मैच के भी प्लेयर ऑफ द मैच। और अब आपको इस मैच का सबसे बवाल सीन कौन सा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना।